गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है लाइफ विद सिहित के आज के व्लॉग में। आज का मुझे दिन नहीं पता, ठीक है। खैर, हमारा जो दिन का शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है तर्री पोहे के साथ। और अभी तक के मैंने आईपैड में देखा नहीं है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती है। बस मैंने उसमें कुछ कुछ ऐप डाउनलोड करके रखने हैं, जैसे कि मेरे एडिटिंग ऐप्स और उसके अलावा यूट्यूब वगैरह सारे। नहीं, यूट्यूब तो होता है ना, नहीं यूट्यूब भी इंस्टॉल करना पड़ता है, हाँ शायद देखना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मैं अभी फटाफट से नाश्ता कर रही हूँ, चलते हैं देखते हैं कि आईपैड में क्या खासियत है। ओके, तो अभी हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है और अभी तक के मैंने आईपैड को हाथ भी नहीं लगाया है। तो अभी सबसे पहले जो चीज़ मैं करने वाली हूँ वो होने वाली है एडिटिंग। सबसे पहले अभी चलते हैं, अपने आईपैड में डाउनलोड करते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि मुझे उसमें एडिटिंग के लिए कितना टाइम लगता है। तो चलो फिर फटाफट से मैं पहले तो फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद आईपैड लेकर बैठते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चोचले भरे हुए हैं इस आईपैड पे फिलहाल अभी क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें खोलना होगा नोट्स, ठीक है। अभी हमने नोट्स खोल दिया है, अभी मैं ये निकालूंगी पेंसिल, ठीक है। अब ये पेंसिल का उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि इस पे पॉइंट करके, देखो अभी पॉइंट हो गया, स्पिन स्क्वीज करना है तो यहाँ पे पैलेट खुलेगा, लेकिन ये स्क्वीज ही नहीं हो रहा है यार। ये हो जा भाई, मैंने बोला था ना ये पेंसिल प्योर चोचले है और कुछ नहीं है इसमें। बस पता है एक चीज और होती है, रुको, ये देखो ये जो प्लेन साइड दिख रहा है ना, इस पे हमें टैप करना होता है, तो यहाँ से चेंज होता है कुछ। तो ये देखो यहाँ पे अभी ये पेंसिल आई और अब ये इरेजर में आ गया, तो बस ये ऐसे स्विच करने के काम आता है, वो भी 10 बार दबाने पर ये एक तो काम करता है भाई साहब यार, हट। ओके, तो अभी हमने फिर से टैप हो जा, टैप किया, अभी इरेजर ऑन हुआ है, अभी ये पेंसिल ऑन हुई है। तो अब इस पे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा नाम। मेरी हैंडराइटिंग को बिल्कुल भी ये नहीं, मत करना, जज मत करना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब इसको हम मिटाएंगे, हाँ वेरी गुड। चलो अब थोड़ा थोड़ा तो मैं सीख रही हूँ, लेकिन मुझे ना स्क्वीज करना नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला था ऐसे पेंसिल रख के ऐसे ऐसे स्क्वीज करना तो वो पैलेट ओपन होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। मे भी शायद मुझे यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ेंगे कि ये पेंसिल प्रो को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरा जो आईफोन है इसमें मैं यूजुअली वीडियो शूट करती हूँ, तो ये वाले फ़ोन से मैं अभी फ़िलहाल आईपैड में डाल रही हूँ सारी चीज़ें, मतलब जो वीडियोस है जो मुझे एडिट करनी है। अब लेट्स सी कि मेरे से कैसे एडिट हो पाता है। देखो वैसे तो मैंने VN ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, लेट्स सी अभी कैसे क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर पता है लिटरली BGMI भी डाउनलोड कर लिया है, नेटफ्लिक्स भी डाउनलोड कर लिया है। BGMI तो वैसे मुझे खेलना आता है नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत हम सीख लेंगे। अभी यार ये फटाफट से एयर ड्रॉप हो जाए तो मैं एक बार देखूं कि एडिटिंग वगैरह कैसी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं फ़ोन से एडिटिंग करती हूँ तो फ़ोन से मुझे 1.5 घंटा लग जाता है बड़ा वाला ब्लॉग एडिट करने के लिए और शॉर्ट ब्लॉग एडिट करने के लिए। तो लेट अस सी कि इसमें मुझे कितना टाइम लगता है। मे बी शायद ऑब्वियसली मुझे हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जो इंटरफेस होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, तो अभी उसके लिए मे बी शायद मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ज़्यादा हो जाएगा। बट वेट अ सेकेंड, मैं इसमें वॉइस ओवर कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास जो माइक है वो टाइप सी का है और हमारा जो आईपैड है, नहीं सॉरी टाइप सी नहीं है, लाइटनिंग है, और जो हमारा आईपैड है वो टाइप सी का है और मेरे पास टाइप सी से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मैं इसमें सिर्फ अभी फिलहाल बड़ा वाला व्लॉग एडिट करती हूँ, छोटा वाला जो व्लॉग है अभी हमें हमारे ही फोन में करना होगा। और पूरे 1 घंटे बाद फाइनली हमारा जो बड़ा वाला व्लॉग है वो मैंने इस पे सक्सेसफुली एडिट कर ही लिया है और अभी एक्सपोर्टिंग करने के लिए डाल दिया है मैंने। लेकिन आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो ध्यान से, इस पे है टस्की के बाल। मतलब आते से टस्की ने जो अपना आतंक है वो फैलाना शुरू कर दिया है। मतलब इस पे तुम देख रहे हो यहाँ पर हर जगह ये जो वाइट दिख रहे हैं ना, सारे टस्की के बाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा भी टस्की के बाल से ही भर जाएगा। तो हमारा पार्सल आया है, और इसके अलावा भी मुझे एक और पार्सल आने वाला है जो शाम को आने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी ये 2 पार्सल हमें रिसीव हुआ है। लेट्स ओपन दिस और देखते हैं कि इसमें आखिरकार आया क्या
है। तो लेट अस सी कि इसमें हमें क्या आया है। सबसे पहले ये वाला पार्सल खोलते हैं। वैसे तो पता है मैंने इतने सारे पार्सल मंगाए हैं ना कि मैं खुद ही भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ओके, बक्से के अंदर दो बक्से, ये तो खैर मुझे दिख भी रहा है कि क्या है। इसमें देखते हैं क्या आया है। इसका क्या काम है लेकिन। तो सबसे पहले हमने मंगाया है ये, अब ये इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रैवल डिजिटल बैग। पिछली बार अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने नागपुर जाते वक्त एक कांड किया था कि मैं झोले में मैं सारी चीजें रखती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मेरा पावर बैंक, चार्जर्स एंड ऑल, मतलब सारी की सारी चीजें। तो उसके लिए मैंने अभी इस बार स्पेसिफिकली एक बैग मंगाया है ताकि मैं मेरा जो सामान है वो भूलू ना, क्योंकि इसमें रखने के बाद मैं डायरेक्टली वो ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ अपने बैग में। तो इसको खोल कर देखते हैं कि ये कैसा है। वाओ, द क्वालिटी इज नाइस। एंड इसमें पता है बहुत सारी ये है यार, पॉकेट्स है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। के इसमें आए हैं आंवला पाउडर, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बोल दिया है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं टकली होने वाली हूँ। तो आज से जितने भी पैकेट्स है, ये चार पैकेट्स है, चार पैकेट खत्म होने तक के हम देखेंगे कि क्या चेंजेस मुझे नजर आते हैं मेरे बॉडी में, मेरे स्किन में। तो अभी फिलहाल हम इसको रखते हैं और अब समय आ चुका है ये वाला डब्बा खोलने का। ओ के, तो मैंने इसमें अपने लिए आईपैड कवर मंगाया है, अ पिंक कलर का। वाओ, ये कितना अच्छा है। और आज हमें फिर से हमारा एक अमेजोन का पार्सल रिसीव हो गया है, तो वो मैं यहाँ पे कहीं पे पॉप कर दूंगी पिक्चर। वो कुछ ऐसा दिखता है, एक रोबोट है और उसको हमने ऑन किया तो ऐसे पूरे जगमग जगमग हो जाता है, मतलब आसमान पूरा एकदम ऐसा लगता है कि हम स्पेस में है। लेट अस सी कि ये सच में काम करता है कि नहीं। मैंने वैसे तो बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देखकर मंगाया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे ये वाले प्रोडक्ट के, एंड ऑल्सो उसके साथ मैंने ऊनो काज भी मंगाए, तो वो भी आज मुझे रिसीव हो गया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वो जो एस्ट्रोनॉट है वो काम करता है, वो स्पेस में हमको लेकर जाता है कि नहीं। खोलने की एक्साइटमेंट देख रहे हो, सीजर विजर कुछ नहीं यूज कर रही हूँ मैं। इस पे MRP पता है क्या लिखी है भाई साहब? MRP लिखी है 5,999 रुपए। ओ पैकेट के अंदर पैकेट, क्लोई पैकेट के अंदर पैकेट। देखो मैंने बोला था ना ये एक एस्ट्रोनॉट है और ये हमको स्पेस में लेकर जाएगा, मजाक लग रहा है सबको। तो इसमें है सबसे पहले एक रिमोट। हाँ, ये सोलर सिस्टम का कंट्रोल करता है, अभी धरती को घुमा देते हैं, दिन कर देते हैं। हाँ, इससे कभी भी दिन रात कर सकते हैं। नहीं, मैं रात रखूंगी, मुझे सोना पसंद है। ओ ये चांद का टुकड़ा है क्या? अरे चांद का टुकड़ा ही है ये, इस पे से गोले गोले भी बने हुए। हाँ ये चांद का टुकड़ा है। ये यू इसका केबल दिया है और ये चीज मेन है, द एस्ट्रोनॉट। अभी खराब हो जाएगा 2 दिन में। तो यहाँ पर इसका सेटिंग दिया हुआ है, न्यूबोला ऑन ऑन ऑफ एंड स्टार्ट। इसमें बस 2 ही सेटिंग है क्या? आज के आप लोगों ने सारे पार्सल देख लिए और हमारा आईपैड हमसे चल ही नहीं रहा वो भी देख लिया। आज का जो व्लॉग है फिलहाल मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट तो वैसे आप लोगों को करना ही है। तो हम मिलते हैं हमारे कल के व्लॉग में।